अंगद की तो कोई खता नहीं थी, फिर भी इन्हें इतनी बड़ी सजा मिल गई। दरअसल जहाँ पर साहिबा को किसी ने मार दिया और इसका सारा इल्जाम लग गया अंगद के ऊपर, क्योंकि अंगद उस रूम में मौजूद रहते, इसलिए पुलिस का कहना यही है कि मर्डरर वही है। लेकिन अंगद बार बार यही सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी साहिबा को कैसे मार सकते हैं। जब पुलिस नहीं मानती है तो अंगद वहाँ से भाग जाते हैं, कैसे भी करके जान छुड़ाने की कोशिश करते, भाग तो जाते हैं लेकिन पुलिस अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही। जहाँ जहाँ अंगद भाग कर जा रहे, पुलिस उनका पीछा वही करे। अंगद ये सोचकर भाग रहे हैं कि अगर वो भाग जाएंगे तो ये पता लगा पाएंगे कि आखिर साहिबा को किसने मारा और उस तय तक पहुँच जाएंगे। लेकिन पुलिस कहाँ ये सब मान रही, पुलिस बस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई। जहाँ एक तरफ अंगद का ये हाँ बुरा हाल हो गया तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का अलग ही साजिश चल रहा है। कार्तिक बेहद ही खुश हो गए हैं कि अंगद जेल में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ कार्तिक का ये कहना है कि अब वो और साहिबा दो जिसमें एक जानवे, इन सब में क्या कार्तिक साजिश रच रहे हैं, क्या इस साजिश के पीछे सिर्फ कार्तिक का हाथ है, क्या साहिबा सच में मरी या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड विद टेली मैजिक।